guys, so welcome back to our channel Pratibha's World. So today I am going to share about uses, benefits and my honest review regarding this Aroma Magic Castor Oil. Castor Oil has powerful therapeutic properties. Castor Oil एक कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है जो कि कैस्टर प्लांट के बीन्स को एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है बिना किसी केमिकल्स के. इट क्लेम्स दैट इट हैज एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज फॉर स्किन. इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिलीविंग पेन फ्रॉम आर्थराइटिस एंड रूमेटिज्म. इसमें ये कॉशन दिया गया है, इस एरोमा मैजिक के कैस्टर ऑयल में नट्स एलर्जीज है जिनको, वो इसे कंज्यूम ना करें, इंटरनली बिल्कुल भी कंज्यूम ना करें और ना ही इसे किसी भी तरीके से अप्लाई करें. सो मैंने ये कैस्टर ऑयल को पर्पल से परचेज किया था 130 रुपीज में. अगर आप भी इसे परचेज करना चाहते हैं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपके साथ इसका सारा लिंक शेयर कर दूंगी. सो गाइस, कैस्टर ऑयल हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है. इसके काफ़ी बेनिफिट्स है. ये हमारे स्किन को और बालों को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है. इट ऑल्सो हेल्प्स टू प्रमोट हेयर ग्रोथ. इट प्रोवाइड्स हाइड्रेशन. इट प्रिवेंट्स एंटी एजिंग. इट प्रिवेंट्स स्प्लिट एंड्स. इसके बहुत सारे फायदे हैं. सो गाइस, अब मैं आपको बताऊंगी कि कैस्टर ऑयल को लगाने का सही तरीका क्या है. कैस्टर ऑयल्स कंसिस्टेंसी इज वेरी थिक. सो व्हेनेवर यू अप्लाई कैस्टर ऑयल, यू मस्ट मिक्स सम अनदर ऑयल विथ इट. सो टेक 1/2 tablespoon ऑफ कैस्टर ऑयल, मिक्स इट विथ 1 tablespoon ऑफ कोकोनट ऑयल और आलमंड ऑयल और ऑलिव ऑयल. मेरे पास बजाज आलमंड ड्रॉप्स ऑयल है, मैं उसे यूज़ करना प्रेफर करती हूँ. मिक्स इसीलिए किया जाता है ताकि कैस्टर ऑयल की कंसिस्टेंसी जो इतनी थिक रहती है उससे वो थोड़ी सी पतली हो जाए. एंड आप जो भी कटोरे में ऑयल को मिक्स किए हैं उसे हल्का सा गर्म कर लें. इससे क्या है कि उसकी कंसिस्टेंसी और थोड़ी पतली हो जाएगी. एंड फिर इसे आप अपने बालों को 2 partitions में डिवाइड कर लें. उसके बाद आप इसे अपने फिंगर टिप से अपने रूट्स में और स्कैल्प में लगाएं. इसे अपने बालों पे नहीं लगाना है, अपने रूट्स में और अपने स्कैल्प में आपको लगाना है. आप फिंगर टिप से ऐसे अपने स्कैल्प में रूट्स में लगा सकते हैं या फिर आप कॉटन से बस डैप डैप करके लगा सकते हैं. एंड उसके बाद जो भी ऑयल बचता है आप उसे अच्छे से अपने बालों में मसाज कर ले. एंड फिर आपको अपने बालों को 2 से 3 घंटे तक छोड़ देना है. आप ओवरनाइट तक भी छोड़ सकते हैं, जैसे आपकी सुविधा हो. जितने देर के लिए आप अपने बालों को ऑयल में छोड़ेंगे उतना आपको बेनिफिट्स मिलेगा. सो इस प्रोसेस के बाद सेकंड प्रोसेस ये है कि यू हैव टू टेक स्टीम फॉर एटलीस्ट 15 to 20 minutes आफ्टर अप्लाइंग ऑयल. मेरे पास इलेक्ट्रिकल हेयर कैप है, मैं हेयर कैप से स्टीम लेती हूँ. अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल हेयर कैप अवेलेबल नहीं है तो आप एक बॉल में या फिर एक गमले में गर्म पानी कर लें और उसमें टावल डुबा के आप अपने बालों को एक साइड करके अच्छे से और उससे अपने बालों को उस टावल से अपने बालों को कवर कर लें. इस मेथड को आपको 6 to 7 times रिपीट करना है. एंड हाँ गाइस, आपको कैस्टर ऑयल को एटलीस्ट 2 times a week लगाना है बेटर रिजल्ट्स के लिए. कैस्टर ऑयल को नेल्स पे भी लगाया जाता है, इससे क्यूटिकल स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं. फीट पे लगाने से एड़ियों की फटने की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है. ये फीट को हाइड्रेट रखता है, उसे सॉफ्ट और सफल बनाता है. आईब्रोज पे भी इसे लगाया जाता है, इससे आईब्रोज की काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो जाती है. सो गाइस, अब बात करते हैं कि क्या कैस्टर ऑयल सच में वर्क करता है. सो मेरा आंसर है यस. मेरे बालों को झड़ने से रोकने में इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है. एंड हाँ, ये हेयर ग्रोथ भी प्रमोट करता है. मेरे स्प्लिट एंड्स भी कम हुए थे इससे. काफ़ी फ़ायदेमंद है कैस्टर ऑयल, इससे मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले हैं. सो गाइस, आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैस्टर ऑयल से क्या बेनिफिट हुआ. एंड हाँ, ये कोई स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट नहीं है, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है. मैं सिर्फ आपसे अपना ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करती हूँ, आपसे कुछ नॉलेज शेयर करती हूँ. सो गाइस, अब मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो पे. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. तो तब तक स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी. नमस्ते.